कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के मौसम बीता जा भाई बिमल राय साहब आपका स्टूडियो में खैर मकदम है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर बात की जाए आपके खसूस वालिद साहब पे बिमल रॉय साहब पे द लेजेंड ऑफ इंडियन क्लासिक मूवीज़ आपके फादर की डेथ हुई है 1966 में जी 8 जनवरी जी और आप का बर्थ डेट जो है वो 1955 का है। जी तो सिर्फ दस साल के रहे होंगे आप तकरीबन जी जी वक्त ये जी. बात है बहुत आपकी मेमोरी इस मामले में। मेरे मेमोरीज में 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 सचमुच बहुत ही लिमिटेड है बहुत दुख की बात है और शायद इसी कारण मैंने ये फिल्म बनाई क्योंकि मुझे लगा कि पिताजी के बारे में मुझे कुछ जानना है बहुत साल बाद में ये जो क्यूरियोसिटी वट वॉज ही लाइक अ मैन समेट आई डेंट रियली नो मैंने उनके फिल्म देख के मतलब मेरा जो भी उनका अंदाज़ा था वो फिल्म से ही बने एज अ पर्सन ही वॉज सो क्वाइट ही वॉज़ नेवर एट होम तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ये सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किया और द फिल्म एक्चुअली जस्ट इज़ अ सर्च My yes. personal search for hmm. my father as a man. His films are there and will always remain for people to see, but I also wanted people to share with me what kind of man my father was. <laughs> I think a film always projects the personality of the filmmaker. Uh, whether the filmmaker tries to do it consciously or not, the stamp of a filmmaker is on the film. My father was a very gentle, very kind man, very compassionate man, someone who was very concerned with social issues. And that comes out very strongly and very naturally without any effort in fact, he was a very good storyteller, and that is why the story comes out effortlessly. kuch zada there is no melodrama in his films. Mm -hmm, yet they move you. may be mahabhi photographati or bhojat nam kamatai khamane bengal me, unka is one of the first women uh, photographers of bengal. and i feel, कि शी वाज़ रियली अ ह्यूज इंस्परेशन फॉर माय फादर बिकॉज एज दे से बिहड एवरी ग्रेट मैन देयर इज़ अ वुमन बहुत घर में शांति सुकून हमेशा रहा और uh, हर तरह से आई थिंक शी वाज़ अ ग्रेट सपोर्ट टू हिम मनोबीना और आपकी मौसी देबोलिना वो लोग फोटोग्राफर्स थे यानी कि ये जो महत्व है कि डोमेस्टिक फ़ोटोग्राफी मतलब फैमिली जो फोटोग्राफ्स हैं जैसे दयानीता सिंह अभी कर रही है जी जी. तो ये इसका इम्पोर्टेंस कुछ लोगों ने मतलब दे हैव गॉटन दैट दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो देवर पीपल हु डिड एस्थेटिक फोटोग्राफी नॉट फॉर द सेक ऑफ जर्नलिज्म और वट लेकिन जब भी मेरे पिताजी और माताजी ट्रैवल किए तो माँ फ़ोटोज़ लेती थी और उसके बाद उसके बारे में लिखती थी एलिस्ट्रेट वीकली में बहुत सारे आर्टिकल्स वैसे निकले एलस्ट्रेट बाय हर एज़ वेल विथ हर ओन फोटोग्राफ्स ऑफ देयर ट्रेवल्स अब्रॉड जैसे मॉस्को में ज्योरी मेंबर होके मेरे पिताजी गए 1959 में उसके बाद लंदन गए तो उस सारे चीज़ों के बारे में अभी भी डॉक्यूमेंटेशन है कभी आर्काइवल फोटोज़ निकले ऑल दिस आर ऑन रिकॉर्ड एज शी

में काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेशन दिखता है तो नेहरू साहब ने जो सोशलिज्म का पैगाम दिया जो मैसेज दिया बिल्कुल इसीलिए नेहरू साहब बहुत ही मेरे पिताजी को पसंद करते थे मीट अदर देन यू नो ओनली ऑन वट एवर एज प्राइम मिनिस्टर एंड जैसे कभी भी फिल्म बनती थी तो खास करके उनके लिए स्क्रीनिंग होता ही था जी जैसे सुजाता के लिए खास करके उन्होंने और मेरे पास अभी भी चिट्ठी है उनका कि कॉम्प्लीमेंट का कितना अच्छा। च, कितनी सो आई थिंक दैट माई फादर वॉज अ वेरी कमिटेड पर्सन इन द सेंस दैट ही लेफ्ट कुछ मैं बताऊँ उनके बारे में जैसे वो थे एक्चुअली बांग्लादेश के तो ढाका से वो एक्चुअली आई नॉट ड्यूरिंग पार्टीशन जैसे मोस्ट पीपल पार्टीशन के समय उनको आना ही पड़ा ये उनके साथ एक धोखा हुआ जैसे उनके जो मुनीम थे परिवार के उन्होंने सब हड़प लिया प्रॉपर्टी तो ये थर्टीज अर्ली थर्टीज में हुआ अच्छा। इसके साथ पार्टीशन का कोई तालुकात नहीं थी मतलब वो चले आए विद जस्ट द क्लोज वर वेरिंग मेरे जो दादाजी थे जब गुजर गए तब उनको इतना धक्का पहुंचा उनको पता चला कि उनका कुछ भी नहीं रहा जी वो कलकत्ता चले आए एंड ही हैड टू स्ट्रगल पंद्रह रुपया महीने में उन्होंने काम शुरू किया जी तो वो जो आई जो ऑपरेशन के बारे में जो उनका उन, उन, वे लोग वो लोग जमींदार के फैमिली के होते हुए भी उनको फाइनली ओपरेस्ड होना पड़ा तो उनकी फर्स्ट जॉब क्या थी उन्होंने पहले स्टिल फोटोग्राफी का काम किया अच्छा। बरुआ के साथ पीसी बरुआ लेजेंडरी पीसी बरुआ के साथ जी। उसके बाद पीसी बरुआ ने इंट्रोड्यूस किया न्यू थिएटर्स में जी। तो न्यू थिएटर्स में वो असिस्टेंट कैमरामैन बन के आए और उनका जो फर्स्ट काम था एज अ कैमरामैन फॉर देवदास बरुआस देवदस। जी। उसके बाद उदय पथे नाम का एक फिल्म just um, that was his first film in 1944 and that was the first time that he showed his stamp as a person of true social consciousness because it was truly a film about a young man being oppressed mm. a poor idealistic writer mm. being oppressed and exploited by a publisher mm. so it's a very uh, it was a पाथ ब्रेकिंग फिल्म इन बेंगाल कलकत्ता की इस फिल्म के बाद जी और वो फिल्म जो उन्होंने बॉम्बे में की और काफ़ी पॉपुलर हुआ इस बीच कितना वक्त गुजरा 1944 में उधर पथे बनाए जी और 1951 बॉम्बे आए द इनविटेशन ऑफ देविका रानी उस समय बॉम्बे टॉकीज नाम का एक बड़ा जी जी ना, जी, जी, जी इंस्टीट्यूट था तो देविका रानी ने इनवाइट किया मेरे पिताजी को माँ नाम का एक फिल्म बनाने के लिए जी। और वो बनाने के बाद आ, उनको शायद बॉम्बे पसंद आ गए इसलिए वो उन्होंने सोचा कि अपना बैनर क्यों न बनाए और जो फर्स्ट फिर, फिर, फिल्म उनके बैनर की थी वो थी दोबी का जमीन जी और अगेन दैट वाज अ चॉइस दैट ही हैड बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट फिल्म ही वाज मेकिंग As a producer and a director. Mm. And therefore, the subject becomes so relevant. Mm. He chose that subject mm. to make, which is a very difficult subject, not a commercial subject, not one of entertainment, but he told it with uh, real conviction. Uh, Balraj Sani ko cast atypical role, both westernized admi mm. Tabi tabi London se vapa saayath Man उस समय तो था नहीं मैं फिर निरूपा रॉय हमेशा गॉडिस बनती थी उनको एक विलेजर बना दिया तो मतलब सबको टाइप कास्टिंग मतलब ए टिपिकल कास्टिंग करके उन्होंने एकदम एक शहर में जैसे हिडन कैमरा से ऑलमोस्ट लाइक इसीलिए उनको न्यूरलिज्म के साथ कंपेयर किया जाता है इटालियन न्यूरलिज्म के साथ दोबिगा जमीन वाज़ द फर्स्ट फिल्म टू बी ऑन पार विट वर्ल्ड फॉर्म मैट कोल्ड न्यू रियलिस्ट न्यू रियलिस्ट जी उस जमाने में चूँकि हिंदुस्तान में भी फिल्में बन रही थी सोशलिज्म पे और ज़्यादातर फिल्में रशिया में बहुत पॉपुलर हुई जी और आ, मेरे पिताजी रशिया और रशियन फिल्म्स को बहुत पसंद करते थे दिलीप कुमार का करियर शायद उससे पहले आन वगैरह से ही वॉज ऑलरेडी I feel Khan's uh, film, my father cast him for the first time in Devdas in '55. Uske baad '58 mein Madhumati aur '58 mein Yahudi. These were the three films that my that uh, Yusuf Saab worked with my father. Dilip Kumar is an unparalleled actor. Main to ki nobody has been able to touch.

वो इंटेंसिटी कहाँ रहा तो घर में उनको आपने किस तरह से देखा जब वो घर में मेरे खास से बिज़ी रहते होंगे काफ़ी और उनके पास वक्त भी कम होगा किस तरह से वो वक्त निकालते थे आप लोगों के लिए और आपकी क्या मेमोरीज़ उनके साथ वाबस्त हैं मेरे मेमोरीज तो बहुत ही कम हैं लेकिन एक खास मेमोरी है जो एक्चुअली इज़ वेरी टिपिकल ऑफ हिम फर्स्ट ऑफ़ एन इनिया Okay. रात को बहुत कम सोते थे चेन स्मोकर थे hmm. तो मेरा जो याद है कि अगर मैं कभी भी जाग जाऊं तो वो सिगरेट का जो यू यू नो दैट लाइट नो ग्लोइंग इन द डार्क और बहुत जल्दी उठ जाते थे जी. तो एक दिन मैं भी जल्दी उठा और मैं बरामदे पे गया तो देखा कि वो बैठे हैं और उन्होंने उंगली उनके होठों पर लगा दिया मतलब चुप hmm. तो फिर देखा कि टेप रिकॉर्डर के साथ बैठे हैं तो कोयल की आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे खुद सुजाता के लिए द कोयल वॉज द मोटिव फॉर नूतन फॉर द अछूत गर्ल जी. और ललिता पावर के लिए इट वॉज अ क्रो मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट ये जो सटल कॉन्ट्रास्ट लेकिन बात ये नहीं रही बात ये इट वॉज अ मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिसाइड फादर आई मस्ट हैव बीन फोर इयर्स ओल्ड बट इट्स अ वेरी स्ट्रांग मेमोरी सो ही वॉज वर्किंग ऑल द टाइम इवन एट होम इवन दैट रेस्ट वॉज एक्चुअली वर्क जल्दी उठ के भी वो काम कर रहे थे तो माई मेमोरी ऑफ इज एज अ वर्किंग मैन नेवर हैज हु Took took no उन्होंने कई सारी बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में दी जैसे दो बेगा ज़मीन सुजाता मधुमती बंदनी परख देवदास्तानी कितनी फिल्में इन सारी फिल्मों में आ, कुछ न कुछ ख़ास बात है कुछ ना कुछ खास मैसेज है और मैसेज के साथ साथ ये फिल्में अपने ज़माने की हिट भी हैं इन फिल्मों में आ, आपने आ, कुछ चीज़ें ऐसी पाई होंगी जो मेरे ख्याल से आप मेंशन करना चाहेंगे तो वो क्या खास बात थी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कम्पैशन सीम्स टू बी द स्ट्रॉगेस्ट पॉइंट द एम्पथी पर्सन, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द फिल्म वॉज क्वाइट अमेजिंग ही ब्रॉट आउट द पेन द डायलेमा ऑफ ईच पर्सन जैसे सुजाता में एक अछूत लड़की है और बीघा ज़मीन में एक फार्मर है जिसको सिर्फ दो सौ रुपया अपने ज़मीन के लिए पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है जी। तो जो आइडेंटिफिकेशन जो हर आदमी का हो जाता है आई थिंक बेसिकली द लिंक बिटवीन ऑल द फिल्म इट्स ऑलवेज टू डू विद द सीरियस प्रॉब्लम Uh, that a person is facing, and the complete empathy that the audience tends to have with that person, and an identification. Very hard for me to say, you know, because honestly, I never had a chance to discuss anything with him. I have a feeling. कि उनके लिए चेंजेस जो हो रहे थे वो एक्सेप्ट करना मुश्किल था जैसे ब्लैक एंड वाइट से कलर जाना दिस इट सेल्फ वॉज आई थिंक ट्रामा फॉर हिम बिकॉज ही वॉज यूज टू ब्लैक एंड वाइट और uh, उस समय 63 में जब बंदे ने बनाया उस समय राज कपूर मेड संगम जी जी तो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सुना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग बहुत परेशान हो गए मेरे पिताजी से बोले कि अभी दादा आप तो कलर में बनाइए तो ये उनके पास बड़ा डायलेमा बन चुका था लाइफ वाज चेंजिंग सोसाइटी वाज चेंजिंग आई थिंक वर अ वेरी देर वॉज अ ट्रांजेक्शन इन नो एंटरटेनमेंट बिगैन टू बिकम यू नो लार्ज स्केल डांसिस बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

Everything is available. Everything is available on net. Porn yes. is available on net. Hmm. The loss of innocence, the death of innocence, the yes. death of childhood. I feel it's a real, hugely transitional time. आपसे बात Thank you. Pleasure being here.